तो आप में से काफी लोग ने मुझे कमेंट करके बताया था कि सर हमको डांस नहीं आता, यानी बिल्कुल भी डांस नहीं आता, हमने कभी सीखा नहीं है, तो हम कैसे शुरुआत करें। तो आप बिगिनर्स के लिए कुछ स्टेप बताएं या फिर कुछ हमको आइडिया दे। तो आप लोगों के लिए मैंने 3 महीने का एक डांस कोर्स रेडी किया है। अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से प्रैक्टिस करने के साथ डे बाय डे मेरे से ये पूरा कोर्स सीखते रहेंगे, तो अभी चाहे आपको डांस का डी नहीं आता है, लेकिन 3-4 महीने के बाद जब ये कोर्स खत्म होगा तो आपको अच्छी तरीके से डांस का डी ए एन सी ई मतलब कि पूरा डांस आता होगा। तो जल्दी से अपने शूज पहन लीजिए और देखते हैं कि इस पहले दिन यानी कि डे वन में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। तो डे वन यानी कि पहले दिन के स्टेप शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपको जब भी डेली डांस की प्रैक्टिस करते हो उससे पहले डांस की एक्सरसाइज करना ही करना है। तो कैसे करना है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, यानी कि एक्सरसाइज का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी या फिर ऊपर आई जैसा सिंबल दिख रहा है यानी कि आई बटन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो आपको पूरा वीडियो देखना है यानी कि पूरी एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद ये स्टेप सीखना शुरू करना है। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राइट लेग को साइड में रखना है और लेफ्ट को करना है राइट के आगे क्रॉस। अब लेफ्ट लेग को साइड में रखना है और राइट को करना है उसके आगे क्रॉस। जब भी आप जो पैर क्रॉस करते हो वो पैर आपका हील पे रहना चाहिए यानी कि एडी पे रहना चाहिए। जैसे कि ये लेफ्ट रखा और राइट को ये किया हील के ऊपर क्रॉस, देन राइट और लेफ्ट को किया क्रॉस, वैसे ही लेफ्ट रखा एंड राइट को किया क्रॉस। अगर काउंट पे करें तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हो गया स्टेप वन का लेग मूवमेंट। तो अब मैं आपको हैंड मूवमेंट बताता हूँ। तो सबसे पहले हाथ को करना है क्रॉस और उसके बाद करना है ओपन। जब भी आप हाथ क्रॉस करते हो तो वो फेस पे नहीं आना चाहिए और जब ओपन करते हो तो वो शोल्डर से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्रॉस ओपन क्रॉस ओपन, आपको हाथ को पूरा रिलैक्स रखना है। तो अब बॉडी मूवमेंट कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बॉडी को करना है बैक और उसके बाद करना है साइड में, ये पीछे और साइड में, पूरा रिलैक्स रखना है यानी लूज रखना है बॉडी को। अब हाथ के साथ करते हैं तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये पूरा स्टेप अब मैं आपको म्यूजिक के साथ करके दिखाता हूं। तो अब हम करते हैं स्टेप नंबर 2। तो सबसे पहले राइट लेग को साइड में रखना है और लेफ्ट को राइट के साथ जॉइंट करना है। उसके बाद टो से लेफ्ट साइड एंड उसके बाद राइट साइड टर्न करना है। वैसे ही लेफ्ट को साइड में रखना है, राइट को उसके साथ जॉइंट करना है, टो से राइट साइड एंड उसके बाद लेफ्ट साइड टर्न करना है। आपको टर्न करते टाइम अपना टो उठाना है। तो फिर से करें, ये राइट रखा जॉइंट किया, टो से टर्न एंड टर्न, वैसे ही लेफ्ट राइट रखा, ये राइट साइड टर्न, ये लेफ्ट साइड टर्न। वो काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2 का लेग मूवमेंट। मैं अब आपको उसका हैंड मूवमेंट बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको हाथ को स्विंग करना है क्रॉस एंड ओपन, उसके बाद पंच करना है क्रॉस एंड ओपन, ये स्विंग अप ओपन पंच डाउन एंड ओपन। पहली बार आपको राइट हैंड ऊपर रखना है और सेकेंड टाइम आपको लेफ्ट हैंड ऊपर रखना है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब मैं आपको बॉडी मूवमेंट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये 1, 2, अब नी को बेंड करके करना है ये बाउंस एंड बाउंस, ये बाउंस ये बाउंस, 1, 2, नी से बाउंड बाउंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब ये पूरा स्टेप मैं आपको म्यूजिक के साथ करके दिखाता हूँ। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 3। सबसे पहले राइट लेग को साइड पे रखना है हील पे 1 और उसके बाद करना है जॉइंट, वैसे लेफ्ट साइड पे रखना है हील पे 2 और करना है जॉइंट। अब राइट को आगे की साइड हील पे रखना है और करना है जॉइंट, वैसे लेफ्ट को आगे की साइड हील पे रखना है और करना है जॉइंट। तो फिर से करें, ये राइट हील पे रखा देन किया जॉइंट, ये लेफ्ट साइड में हील पे रखा एंड किया जॉइंट, राइट आगे की साइड रखा और किया जॉइंट,
वैसे ही लेफ्ट आगे की साइड रखा और किया जॉइंट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये स्टेप 3 का लेग मूवमेंट हो गया। अब मैं आपको उसकी हैंड मूवमेंट बताता हूँ। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड को इस तरीके से राउंड करके ऊपर ले जाना है और उसके बाद वही डायरेक्शन में नीचे आना है, साइड से पूरा ऊपर और उसी डायरेक्शन में नीचे। फिर से करें, ये लेफ्ट अप गया और ये वापिस आया, वैसे ही राइट अप गया और वापिस आया। अब लेफ्ट को साइड में पुश करना है और नीचे, वैसे ही राइट को साइड में पुश किया, ये नीचे आया। ये लेफ्ट डाउन राइट डाउन लेफ्ट पुश किया एंड डाउन राइट साइड एंड डाउन, और उसके साथ आपको बॉडी में चेस्ट को अप करना है एंड डाउन करना है। तो ये पूरा स्टेप करते हैं अपने साथ में। ये 1 2 3 4, आपको चेस्ट अप करते रहना है एंड डाउन करते रहना है। ये अप करना है, ये डाउन करना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया स्टेप 3। अब मैं ये स्टेप 3 आपको म्यूजिक के साथ करके दिखाता हूं। तो अब मैं आपको ये तीनों स्टेप म्यूजिक के साथ करके दिखाता हूं। होप कि आपको डे 1 के तीनों स्टेप पसंद आए होंगे। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, शेयर कर दें अपने दोस्त के साथ, तो मुझे भी सपोर्ट मिलते रहेगा। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग डांस सीखने की शुरुआत कर रहे हो। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, एंड मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप डांसिंग।